हेलो दोस्तों, ये मेरे पास एक पुरानी साड़ी पड़ी थी तो इसका आज मैं लॉन्ड्री बैग बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए एक मैंने ये कट्टा ले लिया जिसे मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। उसके बाद मैंने गोल शेप लेने के लिए परात का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे फोर फोल्ड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये भी आपको सीधी गोलाई में ही मिलेगा बिल्कुल। इसका जो राउंड था वो लगभग 44 इंच का आया था पूरा राउंड। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने 1-1 इंच की दूरी पे ये निशान लगा के कट कर लिया है राउंड शेप में ही। इसमें मैंने कट्टा इसलिए लगाया है ताकि ये थोड़ा सा अकड़ा सा रहे और सीधा खड़ा रहे। बाकी अगर हम कपड़े का भी बनाते हैं तो वो बार बार नीचे की तरफ गिर जाएगा, इसलिए हम कोई हार्ड चीज़ का यूज़ करना, या तो आप फोम भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका ये थोड़ा सा सीधा खड़ा रहने में आसानी रहेगी। उसके बाद ये डबल फोल्ड करके मैंने राउंड शेप का नापा लिया था तो वो लगभग 22 इंच का आया था, तो उसी का मैंने इसमें डबल फोल्ड करके उतना ही कर लिया है। ये वाली मैंने इसकी जो ऊपर से स्ट्रैप बनेंगी उसके लिए कट कर लिए पट्टियाँ। हैंडल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटा या बड़ा बनाना हो जो भी। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये लगभग 16 इंच का था तो ये बनने के बाद लगभग 32 इंच का हो जाएगा। उसके बाद ये साड़ी पे ही हमें कट करना है, जैसे हमने उस पर कट किया था वैसे ही ये डबल फोल्ड रख के साड़ी पे भी सेम टू सेम करना है। इस तरीके से अच्छी तरह साड़ी को सेट कर लीजिए, उसके ऊपर ये भी डबल फोल्ड करके रख लीजिए आप। ऊपर से मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया था ताकि हम ऊपर से उसका जो कवर मुँह है उसे कवर कर सकें, तो इसलिए मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से, जो मैं आगे आपको दिखा दूँगी किस तरीके से मैंने यूज़ किया है कपड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद इसे कट कर लीजिए और लगभग आप 1 इंच साइड से एक्स्ट्रा कट कीजिए, क्योंकि कट्टे के जो साइड में से कटने के बाद ये निकलते रहते हैं तो उससे हम उस 1 इंच से इसे कवर कर देते हैं ताकि जो इसके धागे से हैं वो बार बार ना निकले बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से इसमें बेल्ट की तरह मोड़ के इस पर सिलाई लगा लेनी है, साइड से हमें कट्टे पे सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह हमें डबल फोल्ड करके ये गोल कटिंग भी कर लेनी है। ये भी मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसमें भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना है ताकि जो साइड के धागे ना निकलें, वो ऊपर से हम इसमें सिलाई कर देंगे 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके। ये देखिए इस तरीके से ऊपर रखना है और हमें कपड़े से इसे हल्का हल्का दबा देना है साइडों से। ये देखिए साइडों से मैंने हल्का हल्का दबा दिया है। पहले हमें बीच में इसमें सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें चारों तरफ से लगानी है, क्योंकि अगर हम गोलाई में लगाएंगे तो वो एक तरफ को खिसकता चला जाएगा कपड़ा, इसलिए बीच में हमें प्लस की तरह इसमें पहले सिलाई लगा लीजिए उसके बाद करिए। ये देखिए साइड से भी मैंने दबा दिया है ताकि ये कपड़े ना निकले एक्स्ट्रा। ये देखिए इसमें भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगाई है, चारों तरफ सिलाई लगा के साइड से दबा दिया है। ऊपर से हमें इस तरीके से ही फोल्ड करना है ताकि इसमें हम नाड़ा इलास्टिक या रिबन वगैरह जो चाहे हम वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमें साइड से भी इसकी सिलाई कर देनी है इस तरीके से। ये देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है। ये देखिए ऊपर से भी हमारा हो चुका है, एक तरफ से हमने इसका मुंह खोल दिया है ताकि इसमें हम धागा वगैरह या नाड़ा वगैरह डाल सकें। उसके बाद हमें ये हैंडल जॉइंट करने हैं बाहर की तरफ से, दोनों तरफ से हैंडल जॉइंट करने हैं और ये नीचे घेरा हमें इस तरीके से जॉइंट करना है। इसमें इसे अंदर की तरफ करके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते चले जाना है 1/2 इंच पर। सिलाई लगाने से पहले एक बार आप नाप लीजिएगा, अगर छोटा बड़ा होता है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में। ये देखिए हमारा ऊपर से ये नीचे से पूरा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं सीधा करके आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से बना है ये। बनने के बाद ये बिल्कुल बाजार जैसा ही दिखेगा। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा कपड़े या साड़ी वगैरह पुरानी पड़ी हो तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि बाज़ार से आप लेने जाओगे तो 100-150 रुपये से नीचे आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसे थोड़ा सा टाइम देके घर पे आप इजीली बना सकते हो। ये दो कटिंग में आपका इजीली बन जाता है, ज़्यादा इसमें
आपको टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, ज़्यादा झंझट भी नहीं है। ऊपर से बाद में आपको हैंडल लगा लेना, आपको हैंडल नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है। मैंने इसमें लगाया ताकि हम इसे कहीं भी उठा कर रखने में आसानी रहे। पहले आप इस पर निशान लगा लीजिए बीच सेंटर में करके दोनों तरफ का, उसके बाद इस पर हैंडल दे, देखिए मैंने लगा दिया और बीच वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बना दिया है मैंने नाड़ा डाल के इसमें। ये अच्छी तरह ऊपर से कवर भी हो गया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए मैंने पुराना वाला भी दिखाया, उससे मैंने ये बड़ा ही बनाया है, जो हमारा बाज़ार से लिया हुआ था वो भी था मेरे पास, वो जल्दी बेकार हो जाते हैं इसलिए मैंने इस बार अपने आप ये पुरानी साड़ी से बनाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।